औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे वी डिस्कस सिल थ्योरी, कि सिल थ्योरी क्या है, सिल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है, और वन सेल एंड मेनी सेल ऑर्गेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सिल थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई टू जर्मन साइंटिस्ट थे, मैथियस लीडन एंड थियोडर श्वान। This Matthias Schleiden was a botanist in 1838, and this Theodor Schwann was a zoologist 1839. दोनों ने कंबाइन सेल थ्योरी प्रपोज किया। सेल तो पहले डिस्कवर हो चुका था, और सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हॉक ने 1665 में। इसके बाद लोग आराम से नहीं बैठे थे, सेल के बारे में न्यू डिस्कवरीज हुई थी, तो सेल थ्योरी को डिस्कवर किया है किसने, इन दो जर्मन साइंटिस्ट ने। इसका पहला पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल्स। जो भी तमाम इस तमाम कायनात में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जानदार है, दे शुड कंटेन सेल। इसमें सेल ज़रूर होगा। इन ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे वन सेल के, हम इसे कहते हैं वन सेल ऑर्गेनिज्म या यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और कुछ होंगे मैनी सेल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो एक तो ये पॉइंट हो गया कि तमाम दुनिया के जो ऑर्गेनिज्म है दे शुड हैव सेल। दूसरी पॉइंट है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स दैट सेल नहीं है तो जिंदगी नहीं है, सिंपल मतलब है। जब दुनिया के तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल्स पाया जाता है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि सेल के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तीसरी बात, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। नया जो सेल्स होता है, नया सेल ओल्ड सेल से प्रोड्यूस होता है। मीन्स दैट एक सेल है फ्री, पहले एग्जिस्टिंग मौजूद सेल, एक सेल जो पहले से मौजूद है, उन सेल से नो दिस इज डॉटर सेल्स, इस इज कॉल्ड पेरेंट सेल्स। ये जो पहले से मौजूद सेल है, इन सेल से और सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स विल प्रोड्यूस मोर सेल्स। द फर्स्ट सेल वी कॉल पेरेंट सेल, और ये जो सेल्स पेरेंट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, दी सेल्स आर देन कॉल्ड द डॉटर सेल्स, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पे, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सेल। ये सेल है, इसमें मेटाबॉलिज्म होगी। मेटाबॉलिज्म मीन्स एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, वी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसमें खुराक के छोटे टुकड़े कंबाइन होते हैं और खुराक के बड़े टुकड़े बनाते हैं, जस्ट लाइक CO2 एंड H2O। जब फोटोसिंथेसिस में कंबाइंस होते हैं तो ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज सेल में होते हैं, मेसोफिल सेल जो पौधे में पाया जाता है, इसमें होते हैं फोटोसिंथेसिस। तो एनाबॉलिज्म हो गई सेल में। कैटाबॉलिज्म, इस एनाबॉलिज्म का रिवर्स ले लो। कैटाबॉलिज्म मीन इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल। जैसा कि रेस्पायरेशन में होते हैं, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं CO2 एंड H2O में। सो दिस ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस शुड हैव टू बी टेक प्लेस इन अ सेल। पांचवें नंबर पे, सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कैन पास करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये सेल है, दिस सेल कंटेन डीएनए, एंड दिस डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इस डीएनए के फंक्शनल पार्ट को हम कहते हैं जीन। जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, वी कॉल्ड जीन। यानी कि तमाम डीएनए वर्क नहीं करता, डीएनए में कुछ हिस्सा है जो फंक्शन, जैसा कि मार्कर है,
ये सारा मार्कर तो काम नहीं करता, इसमें जस्ट दिस स्टेप इज वर्किंग। सो ये डीएनए ले लो और ये जो टिप है ये वर्किंग करता है, इसको जीन ले लो। सो जीन डीएनए में स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो मैसेंजर आरएनए बनाता है, उस फंक्शनल पार्ट को हम कहते हैं जीन। वो जीन एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए रिस्पांसिबल होता है, जैसा कि आई कलर के लिए एक जीन है, आई कलर इज अ करेक्टर, स्किन कलर इज अ करेक्टर, बॉडी हाइट इज अ करेक्टर। ठीक है, इस करेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट करने के लिए जीन्स इस्तेमाल होते हैं। सो सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल मींस दैट सेल कंटेन डीएनए, सेल कंटेन जीन, एंड दिस जीन कैन ट्रांसफर द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग से जो भी करेक्टर हो, हाइट ले ले आप, आई कलर ले ले, स्किन कलर ले ले, कोई भी करेक्टर ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स से आती, ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स से आती है, और इस करेक्टर को ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जीन, और जीन प्रेजेंट होते हैं सेल में। सो सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कैन पास द करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब ये तो सब क्लियर हो गए, फिर हम सेल थ्योरी को सेल लॉ क्यों नहीं कहते? लॉ मीन्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर कोई ये बात मानता है कि सेल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, तो देन वाई वी कैन नॉट से सेल लॉ इंस्टेड ऑफ सेल थ्योरी? कुछ पॉइंट्स है जो क्लेरिफाई नहीं करते सेल लॉ को। फर्स्ट नंबर, वायरस। वायरस हम कहते हैं वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए सेलुलर, ए विदाउट सेलुलर सेल, वायरस में सेल नहीं पाया जाता, तब लिविंग तो है, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, इट कैन कॉज डिजीज, म्यूटेशन हो सकती है इसमें, तो ये तमाम लिविंग प्रॉपर्टीज है। सो वायरस नॉन लिविंग भी है पर लिविंग भी है, एंड वायरस कैन नॉट कंटेन सेल, सेल के बगैर वायरस जिंदगी गुजार सकती हैं। सो वी कैन नॉट से सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फिर ये पेट नहीं होती ये लाइन। अगर सेल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है तो वायरस तो जिंदा है, बिकॉज वायरस रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, वायरस इट कॉजेज डिजीज, वायरस में म्यूटेशन होती है। सो दिस पॉइंट इज नॉट क्लेरिफाइड, सो वी कैन नॉट से सेल ला, इसको सेल थ्योरी ही रहने दे। दूसरी बात, वी कैन से दैट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स प्रोड्यूस डॉटर सेल्स। अभी इस किसी को पता नहीं है कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ से आया है। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इट विल प्रोड्यूस मोर डॉटर सेल्स, बट ये कहाँ से आया इसका किसी को कोई पता नहीं है। सो सेल थ्योरी ही रहने दे, सेल्ला में इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ। एक और बात ये भी है कि लॉ के लिए कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, कोई एक या दो स्टेटमेंट होने चाहिए, जैसे कि न्यूटन लॉज है, यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो इस क्राइटेरिया से भी मैच नहीं करता ये कि सेल थ्योरी को सेल्ला में कन्वर्ट किया जाए। एक और बात भी है कि लॉ के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्म भी होना चाहिए, जैसा कि a=ma है, जब हम न्यूटन के लॉज में कह रहे हैं a=ma, आई थिंक दूसरी लॉ है न्यूटन की, यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है। सो सेल थ्योरी इज नॉट कन्वर्टेड टू सेल लॉ, ये कुछ पॉइंट है जो सेल थ्योरी में क्लेरिफाई नहीं हुए। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, एंड सेलुलर मीन्स सेल्स। सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ओनली वन सेल, कंटेन ओनली वन सेल वी कॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट्स वन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इसका एक सेल जिंदगी के तमाम एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जैसा कि दिस इज बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया इज वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इट विल परफॉर्म रिस्पायरेशन, एक एक्टिविटी है. इट विल परफॉर्म रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन. इट विल परफॉर्म एक्सक्रीशन. इट विल परफॉर्म रिस्पायरेशन. जिंदगी की तमाम एक्टिविटीज के लिए इट विल परफॉर्म मूवमेंट, लोकोमोशन, सब कुछ एक सेल करेगा. क्योंकि सेल एक ही है ना, कोई और सेल नहीं है, तो इसलिए एक सेल को एक सारे काम करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, अमीबा, ईडीसी. मल्टी मीन्स मिनी, सेलुलर मीन्स सेल. ऑर्गेनिज्म को आप लोग जानते होंगे, मिनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स वी कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसमें अभी होगी सेल स्पेसिफिसिटी, सेल स्पेसिफिसिटी होगी. इसमें होगी डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मतलब है? सेल स्पेसिफिसिटी क्या मतलब है? सेल स्पेसिफिसिटी से तो एक ये मतलब है कि एवरी एंड ईच सेल ऑफ द बॉडी स्पेसिफिक फॉर देयर फंक्शन. बॉडी के तमाम सेल्स में हर कोई सेल हर एक काम के लिए खास है. मल्टी सेलुलर में जैसा कि आईज खास है साइट के लिए, ये कोई सुनने का काम नहीं करेगा, कोई टेस्टिंग का काम नहीं करेगा, ठीक है. टंग वाली सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट ऑफ फूड, खुराक को, खुराक के चखने के लिए है. जो टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, फाइव बेसिक टेस्ट है, साल्ट है, सोर है, स्वीट है, बाइट है, उमामी है, ये पांच बेसिक टेस्ट है. इस टेस्ट, इस जायकों को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है टंग वाली सेल्स, ठीक है. स्टमक वाली सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, इंटेस्टाइन वाली रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, किडनी वाली रिस्पॉन्सिबल है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. सो यहाँ पे सेल एक खास काम के लिए डिज़ाइन है. जैसा कि नर्व सेल जो है, नर्व सेल ऐसे डिज़ाइन होते हैं, दस ऐसे एलांगेटेड है. सो इट विल इजिली ट्रांसफॉर्म इम्पल्स, ठीक है. ये जो आरबीसी है, ऐसे डिज़ाइन है, ये मोटे है साइड्स में और सेंटर में थिन है, पर इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इस काम के लिए ये डिज़ाइन है, ठीक है. सो इसी तरह बॉडी के तमाम सेल्स अपने अपने काम के लिए डिज़ाइन है. इसलिए है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर काम की तकसीम. हर एक सेल को एक स्पेशल टास्क दिया गया है. जैसा कि एक फैक्ट्री हो और इसमें हर कोई शख्स का एक अलग काम होता है, या इसी तरह हमारे बॉडी में हर सेल का एक स्पेशल काम है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. में हम लेते हैं मैन, आप ले लो इंसान, फ्रॉग, प्लांट्स, बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं मल्टी सेलर और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में. हमें देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए. अल्लाह हाफिज़.